हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल. आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर. गाइस, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें. तो इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 15, प्रोबेबिलिटी से एग्जांपल नंबर 7. देर आर 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास 10th ऑफ अ स्कूल ऑफ हुम 25 आर गर्ल्स. तो टोटल कितने स्टूडेंट है? 40, उसमें से 25 गर्ल्स है एंड 15 आर बॉयज, और 15 उसमें से बॉयज़ है. द क्लास टीचर हैज़ टू सेलेक्ट वन स्टूडेंट एज अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव. तो इन 40 स्टूडेंट में से क्लास टीचर को एक कोई भी एक स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है, चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो, क्लास रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे. शी राइट्स द नेम ऑफ ईच स्टूडेंट ऑन अ सेपरेट कार्ड, द कार्ड बींग आइडेंटिकल. तो उसने क्या किया, इन 40 स्टूडेंट्स के नेम को एक कार्ड पे लिखा, और आइडेंटिकल मतलब एक कार्ड एक का नाम एक, मतलब कि यहाँ पे एक कार्ड के ऊपर एक स्टूडेंट का नाम है. देन शी पुट्स कार्ड इन अ बैग एंड स्टर देम थोरली. फिर उसने एक बैग के अंदर सारे कार्ड्स को रखा और उसको अच्छे से हिलाया. शी देन ड्रॉज वन कार्ड फ्रॉम द बैग. फिर उसमें से बैग में से एक कार्ड को आउट किया, बाहर निकाला. वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नेम रिटर्न ऑन द कार्ड इज द नेम ऑफ अ गर्ल एंड अ बॉय. तो आपको ये प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उसमें से गर्ल के कार्ड के आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है और बॉय के कार्ड के बाहर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है. जैसे यहाँ पे मैंने ये बैग बना दिया, इस बैग में टोटल 40 कार्ड्स है. तो जैसे उसमें नेमिंग है, जैसे हमने यहाँ रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ऐसे करके टोटल यहाँ पे कितने कार्ड्स हैं? 40 कार्ड्स हैं. इसमें से रैंडमली कोई भी कार्ड यहाँ से पिक किया तो आपको ये बताना है कि उसके गर्ल कार्ड के, जैसे मैंने ये वाला कार्ड पिक किया तो उस पर गर्ल का नेम होगा या बॉय का नेम. तो गर्ल के नेम आने की क्या प्रॉबिलिटी है और बॉय के नेम आने की क्या प्रॉबिलिटी. तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ, क्वेश्चन करने का तरीका, सॉल्व करने का, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब जिसमें बॉय भी हैं और गर्ल्स भी हैं, तो वो हमारे पास कितने के बने? 40. यानी जितने स्टूडेंट हैं हमारे पास उतने ही कार्ड होंगे. तो 40 इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, जितने कार्ड्स में नेम होंगे क्लास में स्टूडेंट्स होंगे उतने ही हम कार्ड्स बनाएंगे, क्योंकि आपको कहा है कार्ड्स बींग आइडेंटिकल. फिर नंबर ऑफ कार्ड्स, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है? गर्ल के आने की प्रोबेबिलिटी. तो हम देखते हैं इसमें से गर्ल्स कितनी है, 25 गर्ल्स हैं. तो कार्ड में भी 25 कार्ड्स जो होंगे वो गर्ल के होंगे. तो नंबर ऑफ कार्ड्स विथ द नेम ऑफ, नंबर ऑफ कार्ड्स विद द नेम ऑफ गर्ल, वो कितने हमारे पास? 25 है. तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड विथ गर्ल नेम इक्वल टू टोटल हमारे जो ये पॉसिबल आउटकम्स हो गए और ये हमारी फेवरेबल कंडीशन हो गई. तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम्स. ये हम फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं. फेवरेबल आउटकम्स हमारी हैं टोटल, ये इसमें से इतने गर्ल्स हैं, तो ये हमारा हो गया नंबर ऑफ कार्ड्स विथ गर्ल नेम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स. हम ऐसे भी लिख सकते हैं और फॉर्मूला जो है हमारा वो भी लिखते हैं. तो टोटल गर्ल्स कितनी है इसमें? 25, और टोटल यहाँ पे कार्ड्स हमारे कितने हैं? 40. तो 25 बाय हो गया 40. अब 5 के टेबल से कैंसिल कर दो, 25 आया 5 टाइम और 40 आया हमारा 8 टाइम. तो दिस इम्प्लाइज इसका आंसर हमारा क्या हो गया? 5/8. यानी गर्ल्स के इन कार्ड्स में से गर्ल का कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5/8. नाउ सेकंड हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि वो बॉयज़ के लिए हो, यानी बॉय आने की क्या, बॉय का कार्ड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है. तो सेम हमने जैसे क्वेश्चन किया वैसे ही करेंगे. नंबर ऑफ कार्ड विद द नेम ऑफ बॉय, तो वो कितने हमारे पास यहाँ? 15. नंबर ऑफ कार्ड्स विथ द नेम ऑफ बॉय, वो हमारे पास है यहाँ पे 15. तो सेम आपको यही इसी तरह से फॉर्मूला लगाना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कार्ड विथ नेम ऑफ बॉय इक्वल टू नंबर ऑफ कार्ड्स विथ बॉय. डायरेक्ट आपको क्वेश्चन नहीं कर देना, डायरेक्ट आपको इस तरह से लिख के प्रोबेबिलिटी लगा के ऐसे नहीं कर देना, आपको नंबर कट जाएंगे. आपको जितना मैंने आपको राइट कराया है उतना सारा आप लिखोगे तब आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, चाहे वो या वाला क्वेश्चन चाहे 2 मार्क्स में आए चाहे 4 मार्क्स में, आपको इतना ही राइट करना है. टोटल
नंबर ऑफ कार्ड्स। तो ये हमारा कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे नंबर ऑफ कार्ड्स बॉय, बॉय के कितने कार्ड्स हैं 15, और टोटल कार्ड्स कितने 40। तो आप इसको क्या करो, 5 से कैंसिल कर दो, तो 5 के टेबल में 13 आया 3 टाइम, 40 आया 8 टाइम, यानी कि बॉयज़ का कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी हो गई, 3/8। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आएगा, बहुत ईजी है। अभी भी कोई डाउट तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।